शुभ प्रभात बच्चों, आज मैं आपको दुर्गा चैप्टर दुर्गा का नित्यांगना सुधा चंद्रन, जो कि रामाज्ञ के द्वारा लिखी हुई है, रामाज्ञ तिवारी के द्वारा लिखा है और यह चैप्टर नंबर 13 है। आप अपने अपने निकाल लीजिए। जैसा कि इसके शीर्षक से पता लगता है, नित्यांगना सुधा चंद्रन। नित्यांगना मतलब होता है नृत्य करने वाली, स्त्रीलिंग है नित्यांगना, ठीक है। तो नृत्यांगना है नृत्य, नाचने वाली, सुधा चंद्रन नाम है। तो सुधा चंद्रन एक बहुत फेमस नृत्यांगना है, इनके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो देखो, विधा चैप्टर का जो विधा होती है ना, मैं पूछती हूँ ना आपसे, इसकी कौन सी विधा है? ये जीवनी विधा पर आधारित है। जीवनी विधा मतलब हुआ इसमें सुधा चंद्रन के जीवन के बारे में लिखा गया है, इसलिए ये जीवनी है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया, एकांकी होता है जब किसी नाटक के ऊपर हम रंगमंच पर कोई गेम खेल सकें, रंगमंच पर कोई प्ले कर सकें, वो होता है एकांकी, नाटक के रूप में जो लिखा जाता है, ठीक है ना। और साक्षात्कार क्या होता है, भेंटवार्ता क्या होता है, जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू को लिखना ये भेंटवार्ता होता है। कहानी में क्या होता है, जब किसी के बारे में कोई कहानी के रूप में लिखा जाए, कविता में जब कोई कविता बनाई जाए, इस तरह से विधाएं होती हैं, उपन्यास, निबंध, ये सब विधाएं हैं। तो विधाओं को ध्यान रखा करो कि कौन सी विधा है, तो ये जीवनी विधा पर आधारित है, ठीक है ना। तो इसमें सुधा चंद्रन के संघर्षमय जीवन के बारे में बताया है कि कैसे सुधा चंद्रन ने अपना एक पैर कट जाना, उनका एक एक्सीडेंट हुआ, पैर कट गया। अब पैर कट गया तो नाचने वाले का भी पैर ही कट जाएगा, तो नाचेगा कैसे? तब उन्होंने नकली पैर, कृत्रिम पैर लगवाया लकड़ी का, उस पैर से उन्होंने नाचा। तो कितनी कठिन स्थिति से गुजरी, कितना कड़ा अभ्यास किया, और कड़ा अभ्यास करके फिर से उसी कृत्रिम पैर पर आज भी नाचती हैं। आप लोगों ने यदि सुधा चंद्रन के बारे में नहीं जानते तो आप नेट पर सर्च कर देखिएगा, इसमें आपकी किताब में फोटो है ऑलरेडी उनकी, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से सुधा चंद्रन अपनी मेहनत के बल पर आज तक बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुकी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या उद्देश्य है इस चैप्टर लिखने का, क्या क्या सीख दी गई है? कि यदि आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब हर काम को करने की मन में दृढ़ है, मैं ऐसा करूंगा, संकल्प ले लेते हैं हम, तो वो एम्स हमें 100%, हमारा वो लक्ष्य हमें 100% प्राप्त। तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले को कभी भी विफलता नहीं मिलती, कभी भी फेल नहीं होता। जैसे आप लोग यदि इच्छा, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति कि मैं इतना पढ़ूंगा, डेली 8 आवर्स सेमिनार्स पढ़ूंगा, तो आप यदि सेमिनार्स 5 आवर्स 6 आवर्स पढ़ते हैं डेली प्रत्येक दिन, तो आपको किसी भी कीमत पर रैंक पर से नीचे नहीं उतारा जा सकता, आप 100% अपनी सफलता की ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी पार्ट में यही बात बताई गई। निकालिए नित्यांगना सुधा चंद्रन। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया और लक्ष्य प्राप्त किया। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन, पैर खराब होने के बावजूद चोटी की नृत्यांगना बनी। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र मतलब जो भी आप चाहते हैं, ऐसा ही नहीं नाचने के क्षेत्र में, आप पढ़ाई के क्षेत्र में, आप गार्डनिंग के क्षेत्र में, जो क्या बोलते हैं पहाड़ पर चढ़ने के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्र है, अनेक विभिन्न क्षेत्र है जीवन में आगे बढ़ने के, किसी भी क्षेत्र में आपको ऊंचाई पर, शिखर पर पहुंचना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति होता है मनोबल, मन को मजबूत करना और कठिन मेहनत करना, इन दो चीज की आवश्यकता होती है, और इन दो चीज की आवश्यकता से मनुष्य हर ऊंचाई पर, हर क्षेत्र की प्रत्येक ऊंचाई पर पहुंच सकता है। ऐसे कई लोग हुए हैं जिनकी शारीरिक अक्षमता मतलब होता है हाथ पैरों में से किसी एक चीज का टूट जाना, खत्म हो जाना, अपंग। शारीरिक अक्षमता मतलब होता है अपंग होना, अक्षमता मतलब होता है अयोग्य होना, शारीरिक यानी शरीर से। तो जो इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे जो शरीर से अयोग्य है, अर्थात अपंग है, अपंग होने के बावजूद
चढ़कर अपने लक्ष्य को अपने उसको प्राप्त किया। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन, जिनका पैर खराब होने के बावजूद, पैर नहीं होने के बावजूद, कट जाने के बावजूद भी एक चोटी की, चोटी मतलब ऊंचाई की प्रसिद्धि प्राप्त नित्यांगना बनी। एक तो हम शब्दार्थ लिखे इसके, लिखिए शिखर। शिखर मतलब होता है चोटी, ऊंचाई। शिखर का मतलब चोटी, कोई सी चीज की चोटी और ऊंचाई। जैसे पहाड़ की चोटी, तो पहाड़ की सबसे ऊंचाई, कोई चीज का सबसे ऊंचा होना, जैसे हमारा शिखर ये है, ठीक है ना, ये ऊंचाई, ये चोटी हमारी। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति मतलब होता है मनोबल, शक्ति यानी बल, इच्छा यानी मन का, तो मनोबल या कामना की शक्ति, मनोबल, मन से हम कोई चीज को दृढ़ मानते हैं। परिश्रम यानी मेहनत, कठोर परिश्रम, परिश्रम यानी मेहनत। अक्षमता, क्षमता मतलब होता है अयोग्यता, क्षमता, क्षमता मतलब होता है अयोग्यता, शारीरिक अयोग्यता, योग्य नहीं था उसका शरीर, अक्षम में था, टुकड़ा हुआ होता। संघर्ष मतलब होता है कठिन प्रयास, कठिन प्रयास करता है, कोई कठिन मेहनत करता है उसको संघर्ष कहते हैं, कठिन प्रयास। चोटी है इसकी, तो इस तरह से पैर खराब होने के बावजूद भी सुधा चंद्रन एक चोटी की नित्यांगना बनी। सुधा चंद्रन के बारे में बताया जा रहा है, सुधा चंद्रन की माता पिता कौन है और इनका किस तरह से पैर खराब हुआ। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम और पिता श्री के डी चंद्रन की हार्दिक इच्छा, हार्दिक मतलब होता है हृदय की, दिल की, मन की इच्छा थी, निजी क्या इच्छा थी, कामना थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नित्यांगना है। उन दोनों की क्या इच्छा थी, उनकी माता पिता की, कि हमारी ये जो बेटी है कौन, सुधा, यह एक ख्याति नाम, ख्याति मतलब प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध नृत्य करने वाली बने। इसलिए चंद्रन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलाया। इसलिए क्या किया, उन पति पत्नी ने, उसके जो माता पिता, दंपति मतलब होता है पति पत्नी, किसके, कौन पति पत्नी, सुधा के माता पिता, तो सुधा क्योंकि वो चाहते थे उनकी बेटी बहुत बड़ी कलाकार बने नृत्य के क्षेत्र में, तो इसलिए उन्होंने, उन दोनों पति पत्नी ने अपने बेटी को अपनी इच्छा के कारण, उसको बड़ा नृत्यांगना बनाने के कारण छोटी सी उम्र में, 5 वर्ष की छोटी सी अल्पायु, अल्पायु यानी छोटी उम्र में, 5 वर्ष छोटा उम्र होता है, 5 वर्ष की छोटी उम्र में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय का नाम है कला सदन। क्या नाम है, कला सदन, जिसमें नाच सिखाया जाता है, उस नृत्य में प्रवेश दिलाया और उसको एडमिशन करवाया। पहले पहले तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची को दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के एस रामास्वामी भगवतानंद शिष्या के रूप में स्वीकार किया। जब उनको स्कूल में प्रवेश के लिए ले गए कला सदन में, तो बच्ची छोटी है 5 साल की, तो उसका एडमिशन लेने के लिए वहां के जो लोग थे, जो शिक्षक थे, उनको हिचकिचाहट मतलब तक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ कि इस छोटी सी बच्ची को लिए इसको कैसे सिखाएंगे, तो बहुत छोटी है। लेकिन उस छोटी सी बच्ची के अंदर जब देखा कि इसकी जो शक्ति है सीखने की बहुत अच्छी है, तो ऐसे में जो उनके गुरु बने श्री के एस रामास्वामी भगवतार, इन्होंने उस बच्ची को सिखाने का जिम्मा लिया और इस तरह से उस सुधा को उस छोटी सी उम्र में कला सदन में प्रवेश दिया, शिष्या के रूप में स्वीकार। सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने, नियमित मतलब नियम से प्रत्येक दिन जैसा वो कहते थे उसी के अनुसार सीखती थी और उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी, पढ़ाई प्राप्त करने लगी, उनसे नृत्य की शिक्षा प्राप्त करने लगी। जल्दी ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा की सपनों की इंद्रधनुष दुनिया में 1 मई 1981 में रचा गया। अब
जब उन्होंने नृत्य सीखा तो जिस स्कूलों में पढ़ाती थी या आसपास के कोई जहां पर बच्चे डांस करते हैं ऐसी जगह पर उन्होंने नृत्य प्रेश करना चालू किया। जैसे आप देखते ना आए दिन अपने यहाँ पे होते कोई भी कार्यक्रम होता तो वहां पर बच्चे डांस करते, तो इस तरह से सुधा ने अनेकों विद्यालयों में सीखने के बाद जो उनके गुरु थे उन गुरु से सीखने के बाद नृत्य की परफॉर्मेंस देने लगी, आयोजन करने लगी। और नृत्य के साथ साथ ऐसा थोड़ी था नाचती थी, पढ़ाई में भी ध्यान रखती थी, पढ़ाई में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, अर्थात पढ़ाई में भी अंबल आते रहे, पास होते रहे, अच्छे नंबरों से पास होते रहे। लेकिन सुधा की जो स्वप्नों की दुनिया थी, हर कोई का जो स्वप्न होता है ना, सब जब लोग हम अपने बारे में सोचते हैं ना, जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम कैसे मीठे मीठे सपने देखते हैं, मैं ये बन जाऊंगा, मेरे पास इतना सारा सामान हो गया, मेरे इतने सारे दोस्त होंगे। जैसे भी आप कैसे सपना देखते हो, मैं गार्डन पार्क पिकनिक पे जाऊं, मेरे साथ इतने सारे दोस्त हों, हम खूब खेलें, वहाँ वाटर पार्क भी हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, गेम भी हो। ये होता है इंद्रधनुषी स्वप्न। इंद्रधनुष में इंद्रधनुषी क्यों कहते हैं, क्योंकि सब इंद्रधनुष में सात रंग होते ना, तो सेविन रंग मतलब कलरफुल, इंद्रधनुष का मतलब क्या, आप जो सपना देखते हो वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलरफुल है, कलरफुल मतलब खुशियों से भरा, समझना है, आशाओं से खुशियों से भरे हुए स्वप्न को टूटते देर नहीं लगी। किसके, सुधा चंद्रन के। क्या हुआ, उसका जो इंद्रधनुषी स्वप्न था, जो उसका खुशगवार जो सपना देख रही थी अपने जीवन में आगे बढ़ने का, रंगमंच पर जा के अपने अपने नाच दिखा रही थी और पढ़ाई में आगे बढ़ रही थी, उसका जो स्वप्न था इंद्रधनुषी स्वप्न, वह एक दिन अंधेरे में बदल गया। कौन सा दिन था वो, 2 मई 1981। कौन सी डेट थी, 2 मई 1981 को उसका जो स्वप्न था, उसका सपना था, उसका लक्ष्य एम्स था, मैं बहुत बड़ी नृत्यांगना बनूं, वह नृत्यांगना बनने का उसका इंद्रधनुषी स्वप्न अंधेरे में, अंधेरा मतलब होता है अंधकार, रात्रि में परिवर्तित होगा, कालिक अंधकार कैसा होता है, रात्रि से होती काली होती ना, तो जो रंग बिरंगा स्वप्न था वह काले में बदल गया, अर्थात दुखा गया। क्या आ गया, हम फिर से इसके 2000 शब्दार्थ में फिर मान पड़ेंगे। देखिए, हार्दिक, हार्दिक यानी होती हृदय से, हार्दिक हार्दिक यानी दिली इच्छा, हृदय से जो दिल से जो इच्छा है ना, इच्छा है ना कामना, इच्छा इच्छा है ना कामना, राष्ट्र ख्याति, ख्याति मतलब होता है प्रसिद्धि, नाम, ख्याति को प्रसिद्धि भी बोलते हैं और ख्याति मतलब नाम, दंपत्ति, दंपत्ति देखो ये मैं बोला ना इसको दंपत्ति, आपको वर्ण से सिखाया था ना कभी, दंपत्ति प वर्ण है इसलिए पांचवा अक्षर पंचमा अक्षर आएगा दंपत्ति में आएगा, ठीक है ना, दंपत्ति मतलब होते हैं पति पत्नी, पति। अल्पायु, अल्पायु मतलब छोटी आयु, कम उम्र, अल्पायु यानी छोटी उम्र या कम उम्र, छोटी उम्र। एकाएक अचानक, एकाएक मतलब होता है अचानक से, अंधेरा छा गया, उसकी सप्तरंगी यानी खूबसूरत सात रंग की जो दुनिया थी उसमें अचानक से अंधेरा छा गया। लिख लीजिए आप, समझ गए ना, अब आप 2 मई कैसे अंधेरा छा गया उस घटना के बारे में, उस दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा है। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना से सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव पूरी तरह से जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया किंतु दाएं टांग में गैंग्रीन एक प्रकार का कैंसर हो गया।
ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की डाइंग टाउन कार्ड देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अंततः दुर्घटना के एक महीने बाद सुधा की डाइंग टाउन घुटने से 7.5 इंच नीचे से काट दी। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी नित्यांगना के जीवन का अंत हो जाना सुधा के साथ भी हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पाप और बैसाखियों के सारे चलना शुरू किया और मुंबई आकर उन्हें अपनी पढ़ाई लगा। क्या हुआ? 2 मई 1981 को क्या हुआ? सुधा तिरुचिरापल्ली से मद्रास बस से जा रही थी और बस का एक्सीडेंट हो गया। तो बस का एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, बस का एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटनाग्रस्त यानी एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना से ग्रस्त हो जाना। तो एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट में क्या हुआ कि सुधा का बायां, बायां मतलब होता है लेफ्ट, है ना, बायां है ना, उल्टा पांव, लेफ्ट पांव टूट, लेफ्ट पांव का जो एड़ी, एड़ी मतलब होता है हील, एड़ी जो थी वह टूट गई। और दायां पैर, दायां मतलब होता है सीधा, राइट पैर जो था उनका वो बुरी तरह से जख्मी, जख्मी मतलब होता है घायल, बहुत ज्यादा घायल, घाव हो गया उसके ऊपर और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने पर बाएं पैर पर प्लास्टर लगाया गया, एड़ी टूटी थी, क्रैक क्रैक पड़ा था, इसलिए फ्रैक्चर ठीक हो गया, लेकिन बायां पांव ठीक नहीं हो पाया। दायां पांव तो प्लास्टर लगने से ठीक हो गया, किंतु दायां जो पैर था, जो राइट पैर था, उसमें गैंग्रीन, गैंग्रीन एक प्रकार का कैंसर का नाम है, यह उनके उसके उस पैर में हो गया। अब देखो जब कैंसर होता है ना तो वो बढ़ता है, इसलिए जहां पर कैंसर होता है डॉक्टर उसको वहां से कट कर देते हैं, उस शरीर के अंग को काट कर अलग कर देते हैं, जिससे वो कैंसर और बॉडी में फैले। अब चूंकि उसके पैर में कैंसर हो गया एक्सीडेंट की वजह से, तो इसलिए उस पैर को डॉक्टरों ने उनके पास उनको बताया कि आपका ये दायां पैर घुटने के नीचे जो नी है, घुटना मतलब नी से नीचे 7.5 यानी 7.5 इंच नीचे कटिंग करनी पड़ रहा था, पूरा पैर जो घुटना है उस घुटने से पूरा पैर नीचे का काटना और सुधा का पैर काटना पड़ा। और जब सुधा का पैर काट दिया तो ऐसी स्थिति में जो नृत्य करने वाले, नाच करने वाले पे पैर से नाचते हैं, तो इस तरह से उनके नाचने का जो जिंदगी है वो तो एक तरीके से खत्म हो गई, अंत हो गया उसका, खात्मा हो गया। अब सुधा के साथ भी यही हुआ क्योंकि उसका भी पैर कट गया था, इसलिए सुधा ने सुधा के पैर में लकड़ी का गुटका लगा दिया, लकड़ी का गुटका मतलब लकड़ी का पैर लगा दिया। और बैसाखी, बैसाखी मतलब था जिसके सहारे से हम चल सके, देखा ना आपने लकड़ी की बैसाखी होती है, पैर हाथ के नीचे लगाकर चलते पकड़ पकड़ कर, तो इस तरह से उसके पैरों को लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया और बैसाखी दे दी गई और सुधा ठीक होकर, मतलब घावों से जब उनको ठीक हो गया, पैर का प्लास्टर कट गया, इधर का पैर कट गया, घाव भर गया, तो बंबई में वापस लौट आई और आकर अपनी पढ़ाई में जुट गई, अपनी पढ़ाई में लग गई। फिर से 2-4 शब्द आठ लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बाया, बाया मतलब समझ गया ना, बाया का मतलब उल्टा, बाया बाया मतलब होता है उल्टा, लिख देती हूँ आपको समझ में आना चाहिए, उल्टा है ना लेफ्ट। और दाएं, दाया मतलब होता है सीधा, राइट सीधा राइट। गैंग्रीन हड्डी का कैंसर होता है, गैंग्रीन हड्डी का कैंसर। इसके अलावा उसके पास और कोई इलाज नहीं था कि उसको ये कटवाना ही पड़ेगा, अलावा यानी सिर्फ के अलावा, अंत हो गया, ऐसे उसके नाचने का अंत यानी खात्मा, खत्म हो जाना, खात्मा समाप्त हो गया। और वैसा उसके सारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर अपनी पढ़ाई में जुट गई, जुट जाना मतलब लगना।
इस बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई, डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए विशिष्ट प्रकार की टांग बनाई जो एल्युमिनियम की थी। इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि एक टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी। उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास से कटी हुई टांग से खून बहने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सिंह से पुणे गई। अब जब वह मुंबई अपनी पढ़ाई के लिए आ गई, बैसाखियों की सारी चल रही थी, एक लंबी कुर्ता लगा था। ऐसे में मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर पीसी सेठी, जो उस वक्त जयपुर में बहुत बड़े विशेषज्ञ, हड्डी के विशेषज्ञ थे, और उनसे मिलने के लिए सुधा गई। और सुधा ने बताया डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मेरी ऐसे से हड्डी टूटी है, अब ये इसमें मुझे एक पैर लगवाना है। वह पैर ऐसा होना चाहिए जिससे मैं नाच सकूं। क्या मैं नाच सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा, क्यों नहीं, यदि मैं इसके लिए तुम्हें एक पैर बना के दूंगा स्पेशल, और यदि एक पैर आपको फिट हो गया तो आप यदि प्रयास करेंगी तो जिंदगी में प्रयास करने वाला कभी असफल नहीं होता। जो प्रयास करता है, एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास, चार प्रयास, प्रयास पर प्रयास करता रहे, आदमी करता ही रहे, मेहनत करता ही रहे, तो एक ना एक दिन सफल अवश्य होता है। यदि तुम प्रयास करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, क्यों नहीं हो जाओगे? इसमें क्या है, पैर तो कटा है, जो बड़ी बात थोड़ी है। मैं तुम्हारा नकली पैर लगाता हूँ तो डांस कर सकता हूँ। इस बात से जय उसको बहुत तसल्ली मिली। जब उन्होंने विश्वास दिलाया डॉक्टर साहब ने कि तुम 100% डांस कर सकते हो, इस बात से सुधा को बहुत खुशी मिली, बहुत प्रसन्नता हुई। वह मुंबई आई, उस एल्युमिनियम की टांग को लगाकर, जो टांग को मोड़ा जा सकता था, घुमाया जा सकता था, अब आकर उसने मुंबई में आकर फिर से अपना नाच प्रारंभ किया, अभ्यास चालू किया, प्रैक्टिस चालू की। अब प्रैक्टिस करती थी तो वो जो पैर था, देखो पैर जब टूटता है ना, तो जब पैर को काटा जाता है तो नीचे से ऐसे गोल हो जाता है, देखा ना आप लोगों ने, अपंग लोगों के पैर देखे ना, देखो पैर, तो इस पैर के नीचे एल्युमिनियम का पैर लगाया गया, तो वो पैर को फिक्स किया गया। तो फिक्स करने से जो स्किन थी उसको फिक्स किया गया, तो अब वो जब डांस करती थी तो उस स्किन से ब्लड निकलता था, खून निकलता था। जैसे वो प्रैक्टिस करती थी खून निकलता था। खून निकलता देखकर पहले तो मैं घबरा गई, निराश हो गई, लेकिन फिर उसने अपने मन में उस निराशा पर काबू पाया कि नहीं, ऐसे खून निकलेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। फिर से अपने नृत्य शिक्षक को लेकर, जो उसे नाच सिखाते थे ना, उस नाच सिखाने वाले गुरु के साथ पुनः फिर से वह डॉक्टर सेठी से मिलने गई। क्यों गई? क्योंकि उसको दूसरा पैर लगवाना था, अपने पैर की बीमारी के बारे में बताना था कि मुझे क्या परेशानी हो रही है, मैं क्यों नहीं डांस कर पा रही। इसलिए वह डॉक्टर सेठी से मिलने के लिए अपने गुरु के साथ, नृत्य प्रशिक्षक मतलब होता है अपने गुरु के, जो नाच सिखाने वाला गुरु था उसके साथ नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु बताएगा ना उसको कौन सी तरह का डांस करना है, तो उसकी कौन सी किस तरह का पैर चाहिए, और चूंकि वो विशेषज्ञ, विशेषज्ञ मतलब होता है किसी एक चीज में, किसी एक विषय पर, एक विषय पर शिक्षा प्राप्त करने वाले, एक विशेष विषय पर अपनी विशेष पकड़ रखने वाले को बोलते हैं विशेषज्ञ, है ना। फिर से हम एक बार तो चर्चा कर लेते हैं इसके, देखिए मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम, कृत्रिम अंग मतलब होता है नकली बॉडी पार्ट्स लगाने वाला, तो पैरों को लगाने वाला था डॉक्टर से, ठीक है। तो आश्वस्त किया डॉक्टर ने कि हाँ तुम 100% डांस कर सकते हो, पर कब? जब तुम मेहनत करोगे, प्रयास करोगे। आश्वस्त मतलब होता है विश्वास, उसने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया। प्रयास मतलब होता है प्रयत्न करना, यदि तुम प्रयास करोगी, कठोर मेहनत करोगी, तो 100% तुम डांस कर सकते हो, प्रयत्न। नृत्य मतलब क्या, मैं नृत्य कर सकती हूँ, नाच सकती हूँ, नृत्य यानी नाच। अभ्यास शुरू कर दिया और कटी हुई टांग से उसने खून निकलना,
कतई, कतई मतलब होता है बिल्कुल भी, कतई यानी बिल्कुल, बिल्कुल भी। वह बिल्कुल नहीं घबराई, जैसे उसके पैरों से खून निकलने लगा वह घबराई नहीं, बिल्कुल नहीं घबराई। वह तो ना जाने किस मिट्टी की बनी थी, मैं और आप होते तो शायद घबरा जाते, नहीं हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत तकलीफ होती है और खून निकलता है, छोड़ दो डांस। लेकिन उसको तो डांस करना ही था, वह बिल्कुल नहीं घबराई। और उसके अंदर जो निराशा आ गई थी, उसको ब्लड देखकर, उसको घावों को देखकर, उसने उस निराशा को कंट्रोल किया, काबू मतलब नियंत्रण में करना, और फिर डॉक्टर सेठी से मिलने के लिए जयपुर आई अपने प्रशिक्षक के साथ, अपने गुरु के साथ, नृत्य प्रशिक्षक है गुरु के साथ। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पावों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा परखा और एक नई टांग लगवाई जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई। टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, कटे हुए पांव के ठूंठ से खून टपकने लगा, किंतु सुधा ने बड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं के प्रदर्शन में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हाल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य कर सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन, उस दिन से भी ज्यादा जबकि उसका पांव काट दिया गया। सुधा का प्रदर्शन भी असफल रहा, चाहे तो उन्होंने उसे देखते देखते पलकों पर उठाने वे रात और आपके लिए ऐतिहासिक मुहूर्त की व्यक्ति होगी। अब क्या हुआ, डॉक्टर सेठी के पास पहुंची। डॉक्टर सेठी ने उसका जो गुरु था, नृत्य प्रशिक्षक मतलब नृत्य सिखाने का जो गुरु था, उससे पूछा ये कैसे डांस प्रैक्टिस करती है, इसको कौन कौन से किस तरह से अपने पैर को मोड़ती है, कैसे पैर का एंगल रहता है। तो उस नृत्य प्रशिक्षक ने एंगल बताया, तो ऐसे एंगल को देखा, जांचा परखा मतलब देखा परखा मतलब जांचा कि हाँ इस तरह से मैं अब इसके लिए पैर बनाऊ। विशेषज्ञ थे वो, उन्होंने हड्डी के विशेषज्ञ थे, उन्होंने उसके लिए पैर बनाया और पैर बनाकर सुधा के पैर पर लगाया और सुधा को एक बार बोला, देखो बेटा मैं जो कर सकता था मैं कर चुका, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हारा नंबर, बारी मतलब नंबर है। क्या नंबर है कि अब तुम्हें नाचना है तो सिर्फ तुम्हारे बल पर, तुम्हारे मनोबल पर, इच्छा शक्ति पर नाच सकते हो, इससे ज्यादा अच्छा तुम्हारा कोई इलाज संभव नहीं। अब सुधा घर आ गई, मुंबई आ गई। अब सुधा ने उसे ठूंठ, ठूंठ समझ में आया, अभी आपको पता है ना जहां से हाथ को काट, जैसे इस हाथ को यहां से काट दिया जाए या वहां से काट दिया जाए, तो यहां पर जो जोड़ लगता है उसको ठूंठ बोलते हैं। तो वो जो ठूंठ था, उस ठूंठ को ही जो दूसरा पैर लगाया था उसमें फिक्स किया गया था। अब जैसे फिर मैं डांस करती थी, उस ठूंठ से तो खून निकलता था भाई। किसी चीज को आप सिखाओगे नहीं काम करना तो उससे खून निकलता था, तो ऐसे उस ठूंठ से फिर खून निकलता था। लेकिन सुधा को पता था अब इसका इलाज संभव नहीं, अब तो मुझे नाचना ही है, अब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं, मैं हर हाल में नाचूंगी, मेहनत करूंगी। अब उसी पैर को लेकर तकलीफों से, दुखों से, कष्ट पाकर वह डेली प्रैक्टिस करती रहती थी। तो उसका जो पैर था, उस पैर को आदत हो गई प्रैक्टिस की। अब वह धीरे 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 उन एंगल से, जिन एंगल से वह डांस करती थी उसमें परफेक्ट होने, उसमें निखार आने लगा, उसको उससे वह डांस होने लगा। धीरे धीरे वह इतना अच्छा डांस करने लगी जैसे कि दो, जिसको सच के दो पैर हैं। ऐसे में सुधा चंद्रन को जब पूरी तरह से डांस में परफेक्ट हो गई, तो उसके बाद 28 जनवरी 1984 को, समझ आ रहा ना, 81 में उनका पैर कटा था, अभी सिर्फ 3 साल हुए थे। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के ही साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी ने नृत्य का आयोजन किया, जिसमें उसके साथ एक लड़की ने जो डांस किया उसका नाम था प्रीति। एक अन्य नृत्यांगना यानी दूसरी जो डांसर थी वो प्रीति थी, उसके साथ इसने इस आयोजन में, इस भवन में, साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के भवन में जहाँ डांस हुआ था वहां पर उसने डांस करना स्वीकार किया। और अब सुधा डांस करने के लिए तैयार है। तो सुधा की
पर उठा लिया, देखते ही देखते पलकों पर उठा लेना, मुहावरा है पलकों पर उठा लेना, मतलब बहुत प्रेम दिखाया, बहुत क्लैपिंग की, बहुत बाह-बाह की। और इस तरह से एक ही रात में, रातों रात, रात रात है ना, रात ही रात में, उस दिन जिस दिन उसने डांस किया, उस रात की रात में, एक ही रात में वह ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन गई। ऐतिहासिक है ना, इतिहास लिखने वाली। उसने अपने मेहनत से इतिहास लिखा। कैसा इतिहास? कि यदि आपके टांग नहीं है तो भी आप डांस कर सकते हैं, तो भी आप डांस में सफल बन सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास रचा उसने ऐसी लड़की ने जिसका पैर गैंग्रीन से कट गया था, नकली पैर के सहारे उसने डांस किया और रात और रात इतिहास रच दिया था। व्यक्तित्व यानी होता है किसी का किसी का स्वभाव, किसी का बाहरी व्यक्तित्व मतलब होता है उसका, उसके बारे में बताना। तो उसने बताया लोगों को, इतिहास बना दिया लोगों के लिए कि यदि आप चाहें तो वो काम कर सकते हैं। पहली ऐसी महिला थी जिसने अपने कटे हुए पैर के साथ प्रसिद्धि को प्राप्त। समझ में आ रहा है? इसके फिर दो चार से शब्द लिख लीजिए। देखिए, देखा परखा, देखा परखा डॉक्टर ने अब उसके शिक्षक गुरु के साथ, देखा परखा मतलब होता है जांचना, पूरी तरह से उसको जांचा कि कहां से इसको सही किया सर। नृत्य प्रशिक्षक लिख लीजिए आप, नृत्य प्रशिक्षक, नाच गुरु, प्रशिक्षक को गुरु बोलते हैं शिक्षा देने का, नाच, नाच सिखाने वाला गुरु, नाच सिखाने वाला गुरु, नृत्य प्रशिक्षण, ठीक है। तो इस तरह से कड़ा, कड़ा मतलब कठिन मेहनत की, कड़ा मेहनत मतलब होता है कठिन, कठोर, कठोर परिश्रम किया उसने, कठिन मेहनत की, कठोर परिश्रम किया। और इस तरह 28 जनवरी 1984 का दिन ऐतिहासिक दिन है सुधा चंद्रन के जीवन में, जिसमें उनके चहेतों ने, उनको प्यार करने वाले लोगों ने उन्हें रातों रात में अपने पलकों पर बिठा लिया, अर्थात उनको ख्याति दे दी। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उनकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली। इस फिल्म के अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार मिला। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उनके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके। अब आप लोगों ने देखा है ना, कई लोग बड़े बड़े लोगों के बारे में, जैसे MS धोनी के बारे में पिक्चर बनी बनती ना, तो ऐसे ही सुधा चंद्रन को जैसे ही ख्याति मिली, जैसे प्रसिद्ध हुई, तो एक निर्माता, उन तेलुगु निर्माता उनके जीवन से प्रभावित हुआ और उसने एक स्क्रिप्ट लिखवाई, एक पिक्चर का संवाद लिखवाया और उस पिक्चर का नाम दिया उन्होंने मयूरी, जो कि तेलुगु में बनी थी। और इसमें जो जो एक्टर बन एक्ट्रेस बनी थी वो खुद सुधा चंद्रन ने अपने ही जीवन को उसमें खुद, अभी तो जैसे हमने MS धोनी देखी तो उसमें दूसरे सुशांत थे, लेकिन यहाँ तो खुद उन्होंने ही अपने जीवन को कलाकार के रूप में, एक्ट्रेस के रूप में खुद ही नहीं दिखाया। जब ये पिक्चर प्रदर्शित हुई सिनेमा हॉल में लोगों ने बहुत पसंद किया, तो निर्माता लेखक ने इसे हिंदी में डब किया और नाचे मयूरी नाम से डाला, क्योंकि तेलुगु तो पूरे इंडिया में सब लोग जानते थे, हिंदी तो सब लोग जानते, तो हिंदी में डब किया और हिंदी में नाचे मयूरी के नाम से जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो पूरे भारत में सुधा चंद्रन को बहुत पसंद किया, सुधा चंद्रन को बहुत ख्याति मिली, बहुत प्रसिद्धि मिली। और इस तरह से 33वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में, फिल्म समारोह जो हुआ उसमें इन्हें विशेष पुरस्कार मिला। और इन्होंने इनके इस पिक्चर से और इस पुरस्कार से इन्हें अनेक लोगों को अपना मुरीद, मुरीद मतलब होता है चाहने वाला, या मुरीद होता है शिष्य, कि तुम भी ऐसा काम कर सकते हो। जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सके। जिंदगी में शरीर कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, फिर भी मन
है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, दुनिया को कंट्रोल कर सकता है ना। तो यदि आप कई आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके हाथ नहीं है, वो पैरों से पूरी जिंदगी का काम करते हैं। देखा आपने हाथ, जिनको पैर नहीं वो हाथों से पूरी जिंदगी काम करते हैं। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो अपंग है, अपाइज है, अपने शारीरिक अक्षमता के बावजूद जिन्होंने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो ऐसे ही सुधा चंद्रन ने अपने अदम्य साहस से, अपने श्रेष्ठ उपलब्धियों के उपलब्धियों से अपने जीवन को सार्थक बनाया। तो इस तरह सुधा चंद्रन आज सुधा चंद्रन एक नृत्यांगना ही नहीं है, एक कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। आप उनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए गोती नौशाद के लिए 24 नंबर डालिए, मुरीद मतलब होता है शिष्य, मैं इसका मुरीद हो गया, शिष्य, ये जैसा चाहता है वैसा ही करता हूं, तो बोलते हैं मुरीद होना। प्रदर्शित, उस फिल्म को प्रदर्शित, प्रदर्शित मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखाना, प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन, दर्शन यानी दिखाना, प्रदर्शन करना। इस तरह सुधा ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और हम सबको भी यही शिक्षा दी कि आज हमारे यदि हाथ पर नहीं हो, हमारे तो हाथ पर फिर भी हम इतनी सुविधाओं के साथ जिंदगी बिताते हैं, फिर भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज हम सबको ये संकल्प करना चाहिए कि उसकी तरह, सुधा की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। समझ में आया आपको? आप ये शब्दार्थ देखिए। और सुधा चंद्रन का यदि फोटो आप चिपका सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये वाला सुधा चंद्रन का जो डांस करता हुआ फोटो है, ये वाला आप बना सकते हैं। यदि नहीं बना सकते तो आपका सुधा चंद्रन का इसमें एक फोटो है, आप यदि नेट से सर्च करेंगे तो सुधा चंद्रन का फोटो भी आप निकाल कर चिपका सकते हैं। पहले चित्र बनाइए या फोटो चिपकाइए, उसके बाद शब्दार्थ लिखिए। प्रश्नोत्तर में आपको, थैंक यू।